उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अब आप देखें वहाँ पे एप्पल आ गया, वहाँ पे अमेजोन वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, अमेजोन यहाँ पे लीगल नहीं है, यहाँ पे क्रिप्टो कितना उन्होंने अभी कितना केस चले थे उसके बाद क्रिप्टो अब यहाँ पे जाके चलना शुरू हुई है। मैं इंडिया की इस पॉलिसी को मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, क्योंकि देखें स्टेट लेवल पर प्रोपेगंडा हो रहा था, वो फेक अकाउंट से कुछ वो बहुत प्रोपेगंडा क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टेट को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कुछ वो अकाउंट फेक किए या उनको ब्लॉक किया, तो मैं इस चीज़ को सही समझ। आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो पॉलिसीज़ हैं सोशल मीडिया को लेके वो काफ़ी बेहतर हैं, या वो अपनी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ अपने तौर पे बना रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये अपना नेशनल जो इंटरेस्ट है ना उसको सबसे ऊपर रख रहा है, और पाकिस्तान में फेसबुक मोनिटाइज ना होना ये आपके स्टेट का मेरे ख्याल से कसूर, मैं उसका समझता हूँ। आप IT में, आप सोशल मीडिया में, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। अपनी एजुकेशन को ले लें, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। आप एजुकेशन ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देख, इंडिया इस टाइम एक इकोनॉमिक मुशियत है और दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है, इस टाइम 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, और इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, पॉलिटिकली पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल। आप टेररिज्म देख लें, अभी रिसेंटली बिजोर में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई भी स्टेट लेवल पर आप देख लें कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं। हमारी जो आप सिक्योरिटी एजेंसीज देख लें उनके क्या कारनामे हैं, तो इसी वजह से ये इशूज हैं। आपने ये बोला कि भाई इंडिया जो बात करता है पूरी दुनिया को माननी पड़ती है, क्या रीज़न है उसकी, क्यों माननी पड़ती है? मतलब सर वो आप इकॉनमी में देखें, उनकी इकॉनमी, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो वो इकॉनमी सारी को कंट्रोल करें। आप देखिए रिसेंटली एप्पल स्टोर खुला है, उसके बाद वो चाइना से उन्होंने एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग वो सारी इंडिया में शिफ्ट हो रही है, तो इंडिया इसी लेवल से कि वो इकोनॉमिकली बहुत उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग कर दिया, और एजुकेशन को उन्होंने अपनी अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखा है, और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई है, जिसकी वजह से इंडिया इस टाइम बहुत ऊपर जा रहा है पाकिस्तान की। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, बहुत हद तक एग्री करता हूँ, कि देखें इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया आ रही है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो वो इंडिया आ रही है उनकी इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक ही चलने पे भी मजबूर हैं। ये नहीं है कि अगर एलन मस्क आ गया या एप्पल आ गया तो उन्होंने बोला अब हम आपके कंट्री में आ रहे हैं तो जो मर्जी करें। इसकी मेन बात है उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाँ। वो उधर पॉलिटिकल इस तरह के मामला उनके खराब है ही नहीं, तो इसी वजह से वो ठीक जा रहे हैं। वो जो भी कंपनी आती है उनको उनके स्टेट की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो उधर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ये इंडिया की मैं कहूंगा एक पॉलिटिकली डेवलपमेंट है उनकी, और उनकी स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट है, इसकी वजह से ये सब मुमकिन है। हम इन चीजों से सीखते क्यों नहीं? बिल्कुल नेबर में इंडिया है, इंडिया से ना भी सीखें, चाइना या दूसरे कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इवन बांग्लादेश से ही सीख लें, कुछ ना कुछ सीखें तो सही। बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा उनसे सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना तो पड़ेगा, लेकिन जो सियासतदान है उन्हें भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना चाहिए, ना कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। अब देखिए हमारे रिसेंटली कोई इतनी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली, इमरान खान साहब ने खोली, ठीक है ना, मतलब उसके बाद आप किसी और को देख लें, वो सब ने अपने बिजनेस को प्रमोट किया है पाकिस्तान में, किसी ने भी गवर्नमेंट की या किसी ने लोगों की बात नहीं की, आम पब्लिक की बात किसी ने। इंडिया की बात करें वहाँ पर IIT अगर आपने शायद नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में उसका नाम है, इसके अलावा उनके जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो उनकी कितनी यूनिवर्सिटीज टॉप 50 में या इस तरीके से आती हैं, हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग में आती हैं? हम कहीं भी स्टैंड नहीं करें उनके, इंडिया की। अब देखें हम नरेंद्र मोदी की मिसाल लेते हैं, नरेंद्र मोदी में भी कॉल्ड एज अ बुचर ऑफ गुजरात, उसने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अपने लोगों के लिए, अपने वहाँ के इंडिया के स्टेट के लिए वो बंदा बहुत अच्छा रहा है, उसने इस तरह की पॉलिसीज बनाई है। इंडिया इस टाइम तरक्की कर ही उसी की वजह से रहा है। अब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, वो मजहब के नाम पे वहाँ पे बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छा, मजहब के नाम पे अगर दंगे फसाद हो रहे हो तो फिर तरक्की कर सकते हैं, और आपने बोला सिर्फ उन्हीं की वजह से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो वो अपनी यूथ की वजह से भी, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं मेरे ख्याल से कुछ कर सकता है, उनके साथ टीम भी होती है। हमारे यहाँ पे ना तो टीम है ना प्राइम मिनिस्टर, उनका प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा स्ट्रांग बंदा है, देख वो इस तरह की पॉलिसीज बना रहा है तो यूथ तरक्की कर रही है ना, यूथ उस चीज़ों में इन्वॉल्व कर रही है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है। लेकिन हमारे इधर देख लें गवर्नमेंट का क्या सीन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडरशिप का क्या सीन है, यूथ अब देखें पॉलिटिकली बहुत लोग हमारे लिटरेट हो चुके हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है, लोग पॉलिटिकली मामलों में पार्टिसिपेट करना पसंद ही नहीं, बात करने से ग्रेज करते हैं, यही इशू है। हालांकि देखें मेरी ये जिम्मेदारी है, फ्यूचर हम हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, लेकिन अगर हम ये कह देंगे कि भाई हमें तो ये बात ही नहीं करनी, पॉलिटिकल बात ही नहीं करनी, नो डाउट किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी को गलत बिलावजा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टेट के जो करंट इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन लोग इस टाइम फेड अप हो चुके हैं। आप देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कितने चल रहे हैं, कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट में हो ही नहीं रहा, सारे के सारे काम अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रहे हैं। अभी देखें हमारी कोई एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ही नहीं है, हम अभी भी गवर्नमेंट देख लें हमारे क्या सिचुएशन है। मुझे लग रहा, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट आने वाली है वो कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी। वो कह तो रही है कि अक्टूबर नवंबर में अगले इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हो भी जाए तो गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, मतलब किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी, लग रहा है आपको? सर देखें, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे कोई भी गवर्नमेंट एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक अब देखें, अभी हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, पीटीआई खान साहब जीत जाते हैं तो जो नून लीग है वो उस रिजल्ट को, पोलिंग रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो फिर से वही उसके खिलाफ धरने ही करेगी, कहेंगे दोबारा से, वो दोबारा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक क्राइसिस। जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ठीक नहीं होगी, हम स्टेबल मुल्क बन ही नहीं सकते, तो हमारी इकॉनमी किस तरह ठीक हो सकती है? ऐसे ही है। अगर सोशल मीडिया, जिसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी से वाइंड अप करते हैं, अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात करें, जहाँ पे जिस तरह का कंटेंट आता है, मीम्स आती हैं या फनी कंटेंट या जो भी कंटेंट आता है, इंडिया के सोशल मीडिया की बात करें, उनके बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, नो डाउट वहां पे रोस्टिंग और बहुत चीजें हैं, क्या डिफरेंस समझते हैं वहां की यूथ जो सोशल मीडिया यूज कर रही है या वहां के पब्लिक जो सोशल मीडिया यूज कर रही है और हमारे यहां पे सोच में, कंटेंट में क्या डिफरेंस नजर आता है? सर सोशल मीडिया में जनरेट पब्लिक ओपिनियन, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो मेरे ख्याल से काफी वो पॉलिटिकली लिटरेट हैं, एजुकेशनली वो लिटरेट हैं, वो करंट अफेयर से बड़े बातें करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े चैनल हैं जो वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स को जो उनसे डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, और इधर हमारी तरफ देख लें, इधर वो कंटेंट क्रिएटर हमारे आजकल के रिसेंट आप पॉडकास्टर्स देख लें, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो उनकी आप देख लें वो किस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं, मजहब पे बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक क्रिश्चियन से, उन्होंने स्मिता मार्शल साहब कोई एक्ट्रेस है, उन्हें इस्लाम के रिलेटेड उन्होंने उससे क्वेश्चन कर लिया, इस्लाम कबूल कर ले, मतलब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस तरीके से बात कर रहे हैं। बंदे के तकरीबन 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं और वो एक बड़ा पॉडकास्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद बंदा मैट्रिक पास भी ना हो। तो एजुकेशन सर बहुत जरूरी है, ठीक है, एजुकेशन डेफिनेटली बहुत जरूरी है, और दूसरे नंबर पे कंटेंट बहुत मायने रखता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, नो डाउट यहाँ पे कुछ लोग हैं, इवन मैं अपनी बात करूँ, हम बात करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, हम पब्लिक के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, यूथ के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू आ जाता है कि भाई आप तो उसकी तारीफ कर रहे हो, आप तो चाइना की, आप तो इंडिया की तारीफ कर रहे हो, आप तो अमेरिका की तारीफ कर रहे हो, आप तो वेस्ट के एजेंट हो, आप तो इंडिया के एजेंट हो। देखिए इस तरह कोई भी बात करता है ना, तो सबसे पहले हमारे पे ब्लेम धब्बा यही लगता है कि ये बंदा भाई वेस्ट का पैरोकार है। अभी थोड़ा सा कोई बंदा लिबरल होके बात करे ना, तो वो शुरू से उसे कह देते हैं भाई ये लिबरल हो गया, या दूसरा वर्ड यूज करते हैं ये बंदा हमारी सोसाइटी से बाहर है, या बंदा ये काफर हो, एजेंट है, एजेंट है, यहूदी एजेंट है। अभी रिसेंटली हमारे लीडरशिप की, खान साहब की बात लेने, उस बंदे ने आवाम को बड़ा पॉलिटिकली लिटरेट किया और सबसे पहले उस पर यही टैग लगा कि भाई साहब ये यहूदी है। ये माइंडसेट बन कैसे गया? जैसे आपने एक यूट्यूबर की बात की जिन्होंने एक एक्ट्रेस को बोला कि आप मजहब क्यों, इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेती, है जो ये चीजें प्रॉपर यहाँ पे शायद अप्रिशिएट किया जाता है कि देखो जी उसने तो इस्लाम की तबलीग दे दी, उसने तो इस्लाम का दर्स दे दिया, जबकि मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बैठते हैं, सोशल मीडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है सारे, तो आपको ऐसी बात मेरे ख्याल से करनी नहीं चाहिए। सर लोगों का इस तरह माइंड सेट बना दिया मसला गया। लोग इस तरह मजहब के बात ना करें, उनकी बात सुनी नहीं जाती, लोग स्पाइसिस ऐड करते हैं मजहब के नाम पे देख लें आप, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे देख लें, ठीक है, तो ये इस तरह बना दिया गया। आने वाले कितने साल में, 5 साल 10 साल 20 साल या 1 साल, कब तक आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान के लोग भी उस लेवल का कंटेंट बनाएंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री के बारे में जो गलत बताया गया, या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में गलत बताया गया, सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ें क्लियर करेंगे और उन्हें लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग उनकी बात को मानेंगे भी अगर वो सच बोलें? सर सोशल मीडिया ने मेरे नज़दीक जितनी भी ये हिस्ट्री को ख़राब किया है ना, वो सोशल मीडिया ने किया है।